देखना उस साइड बाहर। ये देखिए दोस्तों, देखना उस साइड बाहर। ये देखिए दोस्तों, नमस्कार रहेगा दोस्तों। आज हमारी टीम जीवो को बचाते बचाते एक सुंदर से गांव में पहुंची है और ये जीव देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है। इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है और ये यहां पे दरारों में घुसा हुआ था। आप देख सकते हैं दरार भी, दरार दिखाइए, ये वहां पे दरार में था। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि घर पे जितने भी गड्ढे हैं उसे पूरना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस साइड में भी देखिए, आपको दिखाते चलो चलो, उस साइड भी देख सकते हैं पूरा फोड़ के फोड़ा गया है, उसके बाद में ये निकला है स्पेक्टिकल्ड कोबरा। अब देखिए दोस्तों इस कोबरे को, बहुत सुंदर। इन्होंने घर में चूहे पाल के रखे हैं इसलिए इसके भोजन के लिए। रुको मैं फोटो देख सकते हैं दोस्तों। इसे फीमेल है दोस्तों, ये जिसे नागिन भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों नाजा, नाजा कहा जाता है इसे, फिर स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहा जाता है। और लोकल क्षेत्र में यहाँ पे इसे करिया के नाम से जानते हैं, करिया, और कुछ लोग इसे प्यार से ओरिजिनल भी कहते हैं। बहुत सुंदर है दोस्तों, चमकदार फीमेल है ये, नागिन कहा जाता है, जैसे नागिन कहते हैं। आइए दोस्तों बाहर हवा में। और जानवरों का इनको बहुत ज्यादा शौक है, जानवरों का शौक है दोस्तों इन्हें, इसी वजह से देखिए यहाँ पे मुर्गे वगैरह भी इन्होंने पाल के रखे हैं और ये मुर्गी के बच्चे वगैरह भी खा लेता है और बकरियां भी पाले हुए हैं। जानवरों का बहुत शौक है, यहाँ के लोग भी बहुत मस्त है दोस्तों। और ये देखिए इसका स्पेक्टिकल जो बना हुआ है, आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये पीछे से देखिए दोस्तों इसका स्पेक्टिकल देखिए, और एक नीचे साइड में एक अलग निशान भी है। फुसकार भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों बता रहे हैं कि वीडियो देखा जा रहा था यूट्यूब में हमारा ही, और इतने में कोबरा निकल गया, सांप दिखा इन्हें, बिस्तर था वहां पे जिस जगह पे निकला ये। आते से दोस्तों वीडियो बना नहीं पाए, और काचड़ी में है दोस्तों, अभी ये काचड़ी छोड़ रहा है अपनी, नीचे साइड में देख सकते हैं केचुड़ी में है अभी ये, इसकी स्किन निकल जाती है। और सांप साल में 3 बार अपनी केचुड़ी निकालता है, चेंज करता है दोस्तों। और इससे ये बहुत हेली वेनेमस स्नैक है दोस्तों,
बोले तो बहुत ज्यादा जहरीला, बहुत ज्यादा जहरीला सांप है ये, बहुत ज्यादा जहरीला सांप है दोस्तों ये। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है दोस्तों, अगर ये किसी को बाइट करता है। शांति बना के रखें दोस्तों, अगर ये बाइट करता है तो आपको कहां जाना है, पहली फुर्सत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और उसके पहले आप नजदीकी हॉस्पिटल में एक बार जानकारी ले लीजिए कि वहां पे एंटी वेनम इसका होता है कि नहीं या है कि नहीं, क्योंकि आजकल लोकल में भी हर ब्लॉक में इसका एंटी वेनम की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है। लेकिन पहले जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले जानकारी ले लें कि अपने क्षेत्र में एंटी वेनम है कि नहीं है, नहीं तो फिर सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि इसका इलाज एंटी वेनम ही है, आपको एंटी वेनम से ही आराम लगेगा और उसी से आप ठीक होंगे। अगर तंत्र मंत्र में पढ़ेंगे, अगर तंत्र मंत्र में जाएंगे दोस्तों, तो तंत्र मंत्र में सिर्फ मौत होनी है और कुछ नहीं, क्योंकि इसके तंत्र मंत्र में कोई इलाज नहीं है। लेकिन लोग वाग क्या है, भूमका परिहारों के पास जाते हैं और वो लोग धामन का भी झाड़ देते हैं जिसमें जहर नहीं होता है, तो धामन के काटा हुआ तो आपको भी पता है दोस्तों कि बिल्कुल भी उसमें जहर नहीं होता है, और वो बाइट करता है तो कुछ भी नहीं होता, इंसान बिल्कुल भी नहीं मरता, क्योंकि जहर ही नहीं है ना उसमें। और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कसम दे दो किसी बाबा की, किसी पंडित की, तो किसी देवी देवताओं की, और सामने कुछ लिख करके कागज में लेके चिपका दो तो उससे क्या होगा, सांप नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज फालतू बातें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 हजार 50-50 हजार तक के लोगों ने खर्च करे हैं पैसे घर को बंधवाने में, और उनके घर हम दूसरे दिन पहुंचे हैं सांप पकड़ने के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। कुछ लोग राई के दाने डालते हैं, कुछ लोग उड़द के दाने डालते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला काम है, और तंत्र मंत्र वाले सिर्फ अपना काम देखते हैं, उनकी कमाई हो जाती है और कुछ नहीं, और वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सोच को हटाना है, ये सोच को दूर करना है दोस्तों, इसी कारण से हम ये वीडियो बनाते हैं, हमारी टीम इस पर काम करती है, और वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि लोगों से दूर दूर तक के गांव से लोगों से अंधविश्वास दूर जाए। खत्म तो पूरा नहीं होगा एकदम से, लेकिन धीरे धीरे करके खत्म कर सकते हैं अगर सभी का साथ रहे, सभी मिले तो। और पास से देखिए दोस्तों, स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो है ये ऐसा होता है, इसका स्पेक्टिकल्ड बना हुआ है पीछे, देख सकते हैं आप, और ये फीमेल है दोस्तों, ये गुस्से में भी है, फुसकार भी देख, इसकी फुसकार से बिल्कुल भी नहीं डरना है, फुसकार से कुछ भी नहीं होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, और इसकी स्किन जो है बहुत चमकदार होती है, बहुत ज्यादा चमकदार होती है। और ये अगर फर्स्ट टाइम पे जो बाइट करता है तो उसी समय पे इसका ज्यादा जहर जाएगा अंदर बॉडी में, क्योंकि इसके 80% फॉल्स बाइट होते हैं, इसके 80% फॉल्स बाइट होते हैं दोस्तों। अगर ये बाइट करता है फर्स्ट टाइम पे तो इंसान की मौत हो सकती है 99%, और सेकेंड टाइम बाइट में ऐसा है दोस्तों कि 10% चांसेस रहते हैं इंसान मरेगा, और थर्ड बाइट में बिल्कुल नहीं मरता, क्योंकि जहर नहीं छोड़ता फिर ये। और सांप से, जीवों से इंसान डरता है, और इंसान जीव इंसान से डरता है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सांप जीव अगर घर पे निकलता भी है, कोशिश करें कि पास के वन विभाग से संपर्क करिए, या किसी सर्प मित्र से संपर्क करिए, मारिए मत, लेकिन जीवों का धरती पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक जरूर करिएगा, और शेयर भी करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा, वो इसलिए क्योंकि दूर दूर तक के अगर ये जानकारी जाती है और लोगों तक के, तो सांपों के विषय में लोगों को जानकारी होगी तो इंसान की भी जान बचेगी और जानवरों की भी जान बचेगी। अभी इसे डब्बे में पैक करते हैं दोस्तों, नहीं कहीं से लेके नहीं आए, यहीं से पकड़े हैं।
घर से पकड़े। अब लेकर के थोड़ी आगे यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों ये दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है सांप, टोटल मांसाहारी जीव है, ये दूध बिल्कुल नहीं पीता है और दूध पिलाने की कोशिश भी ना करे क्योंकि दूध इनके लिए जहर का काम करता है। लाइए दीजिए। आ जाएगा नहीं? नहीं आ जाएगा, इसके अंदर सांप कहाँ से मिलेगा? उसको खुद ही जाए। हाँ खुद ही चला जाता है वो तो, उसको मालूम है उसका घर है वो। ज्यादा तो नहीं फटी? नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ी सी फटी। ऐसा बता दीजिए, बताया करिए पहले कि डब्बा फूटा है। हाँ, थोड़ा सा फूटा नहीं, वो बताया करिए पहले। सांस लेने के लिए भी नहीं, सांस के लिए सब हो जाती है व्यवस्था, आप उसकी चिंता ना करें। वो बाइट कर सकते है, हमको काट सकता है। हाँ ना, वो हाथ से काट ऐसा सकता है, क्योंकि हम ऐसे पकड़ रहे हैं। वो तो बताई मैंने, थोड़ा सा गड्ढा है उसमें। देख करके दोस्तों कॉपी नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क होता है डब्बे में डालते वक्त और निकालते वक्त। ये हमारा दोस्तों 6 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हम इसे डब्बे में कैच करते हैं और निकालते हैं। तो लापरवाही, एक गलती और समाप्त होती है यहीं पे जिंदगी, क्योंकि समय पे इलाज भी जरूरी है, अगर नहीं होता इलाज तो फिर मौत होनी निश्चित है। इसे इसके जगह पर जंगल में जाके छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।